अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मेरे पास न्यू मॉडल का एयर फिल्टर है जो कि 2013 से ऊपर के मॉडल का होता है। और ये जो बाइक है ये 2013 से नीचे की मॉडल है, ठीक है। ये देखिए आपको जो कार्बोरेटर से पता लग रहा होगा, तो आज ये न्यू मॉडल का जिसमें जाली लगी होती है ये हम इस पुराने बाइक में डालेंगे और जो भी रिजल्ट होगा वो आपके सामने शेयर होगा। ये देखिए, ये मेरे पास जेन्युइन तो नहीं है लेकिन होंडा के बाद दूसरी अच्छी कंपनी की रोलिंग फैन होती है, तो इसका मैंने लिया है, 80 रुपये का पड़ा है। ये देखिए जाली वाला है, इसको हम नए मॉडल के फिल्टर को पुराने मॉडल में डालेंगे और जो भी रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा। कुछ लोग कहते हैं मिसिंग करती है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, तो आज जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने आएगा। अगर ये डालने के बाद बाइक मिसिंग ना करे और जो स्पार्क प्लग गया उसका कलर वैसे ही ब्राउन निकल रहा है जो कि पहले था, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम लेके जाते हैं घर में और हम चेंज करते हैं, तो चलिए आप हम चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपने लेने बाइक की और इससे डापा जो आपने खोल लेना है। मेरी बाइक में बैटरी नहीं है, कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर मैंने लगाया हुआ है इलेक्ट्रीफायर के साथ। तो आपके बैटरी के द्वारा पहले बैटरी निकाल लेनी है, एंड ये एक बाइक की पट्टी होती है बैटरी के लिए, ठीक है, यहाँ पे लगी होती है। इसको आपने खोल लेना है 10 नंबर की कीज से। उसके बाद आपने इसी टी की मदद से ये देखिए ऐसे करके आप निकाल कर देंगे। ये देखिए ये पूरा हमारे हाथ में आ गया। ये देखिए बहुत इजी होता है। उसके बाद ये देखिए ये एक इसका स्क्रू होगा, ये आपने खोल लेना है, जस्ट आपने लूज करना है। इसमें जाली नहीं है। तो इसके बीच में देखिए ये मेटल की जाली है, यहां से डबल प्रोटेक्शन हो जाती है इसकी, इसमें जाली नहीं होती। ऊपर से ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन हमने देखना, ये न्यू मॉडल के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन ओल्ड मॉडल में देखते हैं कि इसका कैसा हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। बाकी साइज सेम होता है, यहां पर फर्क होता है कट का और पीछे जाली होती है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से साफ करना है, कपड़ा लेकर आपने ऐसे से डालना है इसके अंदर, एंड इस साइड से कपड़ा निकालकर ये ऐसे अच्छे से साफ हो जाएगा। आप सेम इस वाले को भी तो ये अंदर से भी साफ हो गया। अब अपने युवा लेना है, इसके अंदर आपने जस्ट इस तरीके से बिल्कुल फिट आएगा, ये चारों तरफ से करके आपने। तो फिल्टर लगाने के बाद आपने इसको लगा देना है जस्ट यहां पर ऐसे अच्छे से टाइट कर देना है, बस नॉर्मल करना है, ज्यादा भी नहीं कि अंदर से टूट ना जाए। तो ये देखिए 1 मिनट लगता है ये बंद हो जाता है। उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम जाते हैं आउटसाइड पे और जाकर हम रोड पर टेस्ट करते हैं बाइक हमें कैसी पिक कैसे दे रही है, मिसिंग कर रही है नहीं कर रही, कैसी परफॉर्मेंस है, फिर हम आगे इसका स्पार्क प्लग भी चेक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम चेक करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से हमने ये बाइक को स्टार्ट किया, फ्रेंड्स कोई मिसिंग वगैरह तो नहीं कर दी, हम देखते थोड़ा सा यहाँ पर ये रही। तो मुझे तो फ्रेंड्स पहले भी ये वैसे चल रही थी, अभी भी वैसी है, यानी कि बिल्कुल स्मूथ चल रही है बाइक, कोई मिसिंग नहीं कर रही। थोड़ा सा भगा के देखते हैं, हाँ ठीक है बिल्कुल, ये कोई ऐसे ही। फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, देखिए बिल्कुल सही तरीके से चल रही है भाई, मुझे कोई डिफरेंस यहाँ पर नजर नहीं आया।
तो ये देखिए नॉर्मल स्पीड ही कैसे चल रही है और कोई मिसिंग गियर नहीं कर रही, कोई मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मुझे बाइक को ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है या बाइक चल नहीं पा रही, बिल्कुल स्मूथ चल रही है। ये जो रिज़ल्ट है ये आपके सामने है। तो फ्रेंड अब इसका हम इसको जाकर स्पार्क प्लग खोलते हैं और जाकर इसका कलर अब चेक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स प्लग को खोल कर हम देख लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये बिल्कुल ब्राउन निकल है, तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ से अंदर से भी ये ब्राउन ब्राउन है, बिल्कुल खुश्क है, ठीक है, कोई गीला पानी इसमें ना हो। तो ये देखिए स्पार्क प्लग भी ठीक है। तो आप जो फिल्टर है इसको आप इजीली यूज कर सकते हैं, हमने यहाँ पर इसका प्रॉपर डैम है वो हमने कर लिया है। तो बस फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो, मेरा नाम है तैयब अजीज, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।